नमस्कार जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। बड़बीघा में रात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। दुर्गुनिया बना विजेता एवं ट्रॉफी देकर पूर्व विधायक ने विजेता को दी बधाई व उप विजेता को दी भविष्य की शुभकामनाएं। जी हां, स्टूडेंट क्लब बड़बीघा द्वारा आयोजित रात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बरही के पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव ने फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया। खिताबी भिड़ंत में दुर्गनिया की टीम ने बेलखरा की टीम को 1-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पूर्व खेले गए सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में दुर्गनिया ने कोटवाडी व बेलखरा ने ढाब को पराजित कर फाइनल में स्थान बनाया था। विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी व नगद राशि देकर पूर्व विधायक श्री मनोज कुमार यादव ने पुरस्कृत किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि खेल के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ा है। खेल के माध्यम से युवा अपने करियर के दरवाजे खोल रहे हैं। JSSC सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को लेकर हजारीबाग उपायुक्त ने बरही के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जी हां, रविवार को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के दूसरे दिन हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बरही के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ बरही SDO जुहान टूडू, वीडियो क्रिस्टीना रिचा इंदवरा, VCO संजय यादव भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बरही के प्रमुख परीक्षा केंद्रों जैसे बालिका गर्ल्स हाई स्कूल, बरही हाई स्कूल और मध्य विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने इन सभी केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लिया और परीक्षा के सुचारू रूप से संपन्न होने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया।